वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर, 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री ऐसे टेम्परेचर रह रहा है सुबह शाम को, और हाथ एकदम बर्फ की तरह सुन्न हो रखे हैं। और ऐसे में आ गई है हमारी लोहड़ी एंड हमारी मकर संक्रांत। तो संक्रांत के लिए हमें जमाना है दही, और हम 2 दिन पहले जमाएंगे ताकि वो जम जाए, क्योंकि ठंड इतनी है ना, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छे से जमे। तो अभी मैंने दूध ले लिया था सुबह ही एक्स्ट्रा, आज 12 तारीख है और आज है मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू माई मॉम, सब लोग अच्छी अच्छी विशेज देना मेरी मम्मा को। तो मम्मी का बर्थडे है तो शाम को मुझे उनके लिए केक वगैरह लेकर भी जाना है, मम्मी के लिए सरप्राइज केक, मतलब केक कटवाएंगे, क्योंकि बड़ों का होता है ना कि हाँ कोई ऐसा होता नहीं है कि बर्थडे मनाना है, मम्मी को भी इतना है नहीं। तो मैं केक लेके जाऊंगी मम्मी के लिए और उनका केक कट करवाएंगे हम। एंड उससे पहले अभी ना दूध मैंने गर्म कर लिया, सुबह ही कर लिया था, लेकिन मेरे पास जाग नहीं था, जिसको जोरन कहते हैं गैस, तो मेरे पास जाग नहीं था, तो मैंने दही मंगवा ली है, खट्टा नहीं था तो दही मंगवा ली है मैंने। अभी हल्का सा दोबारा से दूध को गर्म करेंगे एंड फिर अपना दही जमाएंगे और उसको अच्छे से रजाई वगैरह में लपेट के, ताकि उनको ठंड ना लग जाए, हम कहीं रख देंगे ताकि वो अच्छे से जम जाए। और इग्नोर करना कंडीशन को, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर रखी है मैंने बालों में, तो अभी मैं सब काम कर करके फिर नहाऊंगी फटाफट से। दोपहर होगी यार, मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ नहाने में, दोपहर की शाम ही हो जाएंगी मुझे। अभी जा रही हूँ लंच बनाने और उसके बाद वंशु को रेडी वगैरह करके भेज के उसके बाद मैं आराम से नहाऊंगी, क्योंकि बाल वगैरह भी धोने हैं और मेरे को सुबह से काफ़ी काम था। स्टूडियो में मैंने कुछ अपने अच्छी सी डेकोरेशन की है थोड़ी सी, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में। तो फटाफट से पहले दही जमने डाल देते हैं, अदरवाइज ये जमेगा नहीं तो फिर हो जाएगी खराबी। सो आज मैंने मीशो से ना ये बेडशीट मंगवाई है, इसका कॉम्बो मंगवाया मैंने 500 में मुझे मिली, और ये वॉर्म वाली है जो कंबल का कपड़ा होता है ना, ब्लैंकेट का, वो वाला है, और काफ़ी वार्म रखती है ये, तो मैंने ये मंगवाई है। आज ही मुझे रिसीव हुई तो मैंने फटाफट से इसको बिछा दिया है। एक मैंने ये मंगवाई है, एक दूसरे कलर की मंगवाई है, बट ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, गर्म भी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको लेनी हो ना तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपके साथ कोड शेयर करूंगी, बहुत ही परफेक्ट है। 500 में 2 मिल गई, वो तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई। सो भाई यार मैं दूध को गर्म कर रही हूँ, फुल क्रीम वाला दूध लिया मैंने, मतलब पूरी मलाई शलाई मक्खनों वाला दूध है ये, जिसका हम दही जमाएंगे। और ये वाला दही यूज़ कर रही हूँ मैं जो खुला मिलता है, ये मंगवाया मैंने हलवाई की दुकान से, जो पैकेट बंद होता है ना बॉक्स वाला, वो नहीं यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि उससे अच्छा नहीं जमेगा, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि उसे अच्छा नहीं जमेगा। तो मैं ये वाले खुले दही से जमाऊंगी अपना दही, थोड़ा सा गर्म करेंगे, और इसके लिए मैं लेकर आती हूँ एक ब्लैंकेट, ताकि इन महाशय को ठंड ना लगे और ये अच्छे से जम जाएं। सो गाइज यहाँ मैं ले आई हूँ अपना फेवरेट वाला, बहुत ही सुंदर सा ये ब्लैंकेट, मुझे बहुत पसंद है। अगर इसमें बैठने के बाद भी तुम अच्छे से नहीं जमे ना तो तुम्हारी खैर नहीं, इतना सुंदर कंबल दे रही हूँ मैं तुम्हें बैठने के लिए, ठीक है? तो अच्छे से इसको उड़ाएंगे और अपना दही जमाएंगे। तो हमारा दूध जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है, इसे हम बंद कर देंगे और गैस से उतारेंगे और इसमें दही डालेंगे। तो ढेर सारा डालूंगी मैं, कंजूसी नहीं करूंगी कि 1 चम्मच डालना। ये गया हमारा दही, अभी मेरा तक्कू आ गया, अगर इसने देख लिया ना कि दही आया तो ये पीछे पड़ जाएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पापा गए ऑफिस, बिस्किट इसके अंदर है, और इसको हम अच्छे से ऐसे 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 दिख नहीं रहा यार, ऐसे 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 करके पूरी मलाई दही सब इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, ठीक है? मलाई मैंने इसकी निकाली नहीं है, बहुत मोटी सी मलाई भी इसके ऊपर है। ये कर दिया हमने, इसको रख देंगे धोने में, प्रॉपर इसके साइज की प्लेट लूंगी मैं ताकि अच्छे से। क्या बेटा? अरे यार कहाँ इसको ढक देंगे हम अच्छे से। हाँ जी नमकीन ये लो, ले जाओ। तो गाइस इसको हम अपने इस किचन के कबर्ड में रख देंगे अच्छे से ढक ढका के, पहले कंबल बिछा देते हैं क्योंकि इसमें लपेट के रखूंगी तो ये गिर सकता है। सो गाइस अच्छे से कंबल में ढक के हमने रख दिया है अपने दही को, ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं
पूरे 2 दिन के लिए, परसों इसको निकालेंगे और फिर खाएंगे मजे से। कहाँ गिर के आए हो, कहाँ गिर के आए हो? नाली पे गिर गया। नाली पे गिर गया? सीढ़ी पे गिर गया बेटा, नाली पे नहीं गिर गया। नकल करी जा रही है। कौन नकल करी जा रही है? नकल करी जा रही है। हाँ नकल हिंदी कितनी है? क्या कह रहे? कितनी हिंदी की दीदी नकल कर रही है? हाँ ढक्कन, ढक्कन। अच्छा नमकीन का ढक्कन चाहिए, ढक्कन ये लेने आया था। सो दही हमने जमने के लिए रख दिया है, अब भी हम बना लेते हैं फटाफट से रोटी। सब्जी में मैंने बनाई थी सुबह आलू सोयाबीन की सब्जी, और अभी हम बना लेते हैं फटाफट से अपनी रोटी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट चल रही हूँ आज। तो कहाँ नहीं जाना? पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? कहाँ नहीं जाना फिर? पैसे नहीं है तो बर्थडे पे नहीं जाना? बर्थडे पे नहीं जाना? नहीं। क्यों? नहीं फेवरेट होती है मैं। बर्थडे पे क्यों नहीं जाना? क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास? अभी आके मैं कहता मम्मा मैंने बर्थडे पे नहीं जाना, मैंने कहा क्यों? कहता पैसे नहीं है मेरे पास। आपने क्या करना है पैसों से? गिफ्ट लेना है? पैसे गिफ्ट लेना है? क्या लेना है? गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ। कौन सा गिफ्ट, क्या दोगे गिफ्ट में? पिंक। क्या दोगे? पिंक। पिंक? हाँ। पिंक क्या दोगे? क्या दोगे पिंक गिफ्ट? आता नहीं देना बेटा, रोटी बना रही हूँ मैं। लो आता। लो ले लो थोड़ा सा। पापा मम्मी जा देख के आओ। पापा आ गए? नहीं आ रही है। जा देख के तो आओ। ठीक है मम्मा देख के आता हूँ। ठीक है मम्मा देख के आता हूँ। टक्कू क्या कर रहे हो? रोटी बना रहे हो? रोटी बना रहे हो? चिपक रहा है। चिपक रहा है? इतने बड़े हो गए आप, पहुंच ही तो रहे नहीं हो। अब रुक रहा हूँ। रुक जाऊँ? ये सर पे गिर जाएगा आके। सर पे गिर जाएगा आपके। टक्कू को रोटी बानी बहुत अच्छी लगती है। रात को ना ये लड़का मुझे इतनी हंसी अभी भी आ रही है। अच्छा रात को ये लड़का 1:30 बज रहे होंगे, हम तीनों में ये लो बेलना बेटा। मैं वंशु और उसके पापा लेटे थे और ये बैठा था, सोने की तैयारी कर रहे थे हम लोग। ये बैठा बैठा कह रहा है मोए 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 मोए। मैं उठ के देख रही हूँ, मैं कह मोए मोए क्यों कर रहा है? इसने अपनी स्वेटर के अंदर पूरा अपना ये हाथ कर लिया, मतलब ये बाजू निकाली थी, ऐसे लटक रही थी और ये कह रहा था मम्मा मेरे हाथ नहीं है मोए मोए। तक्कू आपके हाथ नहीं है? मोए मोए। इतनी हंसी आई ना, आधा घंटा यही सब चल रहा था। ओए ओए रोटी बन गई तक्कू की, तो सारा आटा चिपका दिया इसी पे। आटा मिल ही नहीं रहा, रोटी कहाँ बना रहे हो फिर? अच्छा पौंठा बना रहे हो? आलू बना रहा है? हाँ। आलू वाला परांठा? हाँ। ओ वाह, तक्कू को तो आलू वाला परांठा भी बनाना आता। पापा की पूरा सो यहाँ पर हमारी चाय भी बनके तैयार हो चुकी है, तो अभी हम फटाफट से खाना खाएंगे और फिर वंशु को रेडी करेंगे। सो गाइस आज मैंने ये वॉल पे थोड़ी सी डेकोरेशन की है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है फोटो वगैरह के लिए, ना मैं सोचती थी फोटो शूट हो जाया करेगा अच्छे तरीके से, तो ये वॉल खाली खाली थी तो यहाँ पर ये लगाया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये वाला और एक ये वाला बच्चा, ये देखते हैं इसका क्या करना है। ये वाले फ्लावर में से ना मैंने निकाल निकाल के बहुत सारे लंबे लंबे बनाए हैं, पॉट लेके उसमें मैं लगा दूंगी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। निकल गया है, इसको मैं फिक्स कर दूँ। सो गाइस ये इस तरह से मैंने कुछ बनाया, इसको हम कहीं ना कहीं पे यूज़ करेंगे। ये मैंने स्टिक्स में डाल डाल के ना पत्ते, इसमें के पत्ते स्टिक में डाल डाल के ये बनाया है, बाकी मैंने वहाँ लगा दिए हैं। तो वंशु की ये कैप और साथ में ये मैचिंग सा सुंदर सा ये ब्लेज़र, ये वंशु को पहनाएंगे और इसको ट्यूशन के लिए रेडी करेंगे, साथ में जीन्स पहना के फटाफट चलते हैं। हमारा ये फ्रोगू भी ठंड में फ्रोगू फ्रोगू हो गया बैठा बैठा बेचारा। सुकड़ गया, इसका रंग रूंग सब उड़ गया बेचारे का ठंड। क्या हुआ तक्कू? हाथ नहीं है?
फिर करो मोए मोए, कहता मोए करो, मोए मोए मोए। कितनी ठंड खा रही है आपको? क्या हुआ? कितनी ठंड है जी? मुझसे पूछो कितना ठंड है। मेरे हाथ देखो, छूके पता लगेगा आपको अंदर। मेरा भी छूके देखो कितना ठंडा। ओके तो गर्म पड़े हैं बाहर से, तो अभी मेरे घर में बैठे बैठे देखो खड़े पड़े हैं। नकली वही तो, अब जल्दी हो जाओ, बहुत लेट हो रहा है। जल्दी चलो बाबू, चलो चल बना ले, फिर वही क्लिक कर दे। चलो आज बनाओ। छोटी किधर जा रही है, बाल किधर जा रहा है? वीडियो बनाने पूरा लगाओ ना, पूरा हाथ तो सही छोड़ेंगे तभी ना। पूरा सो गाइस, देख सकते हैं मेरी बीबी जो पहले से ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, और भी ज्यादा खूबसूरत होने की कोशिश कर रही है, बट इनको ये नहीं पता। जैसी भी है मेरी जान है। और मेरे पति मस्का लगाने में महान है। वंशु यहाँ पर रेडी हो चुकी है जाने के लिए। कहाँ जा रही हो मैडम? हम आप भी जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नानी पास जा रहे हो? नानी पास जा रहे हो, क्या करना है? नानी का बर्थडे है आज। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं कहाँ? नानी पास, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और हमारा वंशु इतना सुंदर लग रहा है, इधर घूम के दिखाओ। हमारा वंशु बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत सुंदर। कहाँ जा रहे हो? ये देखो हमारा तक्कू, कितना क्यूट लग रहा है। पांडे के पास एक ही जैकेट है, ये उतारने का नाम ही नहीं लेते। बाकी सारी क्या करनी है? दहेज में ले जानी है आपको। एक ही जैकेट पहनते रहते हो, दूसरी पहना करो। ओके, ज्यादा ठंड लगती है इसीलिए बदलते नहीं है बेचारे। और पीछे देखो बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू। पहले बोलो तो सी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। चलो निकाल करो ऊपर चले। ए ले चलो, करो सही कह रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए बेटा हैप्पी बर्थडे करो नानी, कर कर हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तक्कू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तक्कू दा केक खान ली एक्साइटेड हवा। एली चल नीचे। ये लोग नानी के पास आके बस नानी के ऐसे चिपके रहते हैं। मोहित मामू इधर लाओ, मोहित मामू कल आएगा, काइट उड़ाने आएगा हमारे पास। नानी का बर्थडे कैसा लगा? हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, क्या नानी को बोलो, नानी ने बोला था छोटी काइट ला के दूंगी। मामू ले आएगा। दूर रहा। पता चल गया कि कह रही है, चल गया पता कि कह रही है। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर, 10:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ फटाफट से चेंज करूंगी और बालों की हल्की सी पोनी बना लूंगी, क्योंकि खुले छोड़ के मैं से सोया नहीं जाता है। बाल मेरे गीले थे, मैंने शाम को हेयर वॉश किया था क्योंकि कल लोहड़ी है, तो फिर ना बालों में बहुत ज्यादा ऑयल भी लगा हुआ था। मम्मी के घर तो चल मैं ऑयल लगा के भी चली जाती, लेकिन फिर कल लोहड़ी है तो मैंने सोचा कि हेयर वॉश कर लेती हूँ आज ही। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया था, मेरे बाल ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं। वैसे मैंने ड्रायर से किए थे, लेकिन मैं कभी भी प्रॉपर ड्राई नहीं करती हूँ बालों को ड्रायर की हेल्प से। हल्का सा ड्राई कर लेती हूँ, मतलब हल्के हल्के वेट रहने देती हूँ, तो वो अपने आप नेचुरली ड्राई हो जाते हैं हेयर ड्रायर। तो आप फटाफट से चेंज कर लेते हैं, उसका दूध वगैरह गर्म करेंगे, बच्चों को देना है हमें पीना है, एंड उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो फटाफट मैं चेंज करके आपसे मिलती हूँ।